have a street fighter in motorcycle. आपको पीछे की लुक से पता चल गया होगा what we are talking about. अगर नहीं समझ आया है so let me show you a glimpse. So guys, this is the Triumph Speed Triple. So guys, as you can see, आज की जो हमारी वीडियो है that is about Triumph Speed Triple 1050. 1050cc की बाइक है. इसको बाइक को यूजुअली स्ट्रीट फाइटर बाइक कहा जाता है मोटरसाइकिल लाइन में. इसकी अपराइट सिटिंग पोजीशन होती है और भागने में ये बहुत ज़्यादा कुश्ती होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंगली भागती है. दिस मॉडल इज़ अप फॉर ग्रैब. 2016 मैनुफैक्चर्ड 17 रजिस्टर्ड बाइक है HR नंबर की. 8000 किलोमीटर जेन्युइन चली हुई है बाइक. स्टॉक बाइक है, कुछ एसेसरीज़ नहीं है. बट गाइज बाइक बिल्कुल क्लीन है, बहुत साफ़ है. एक मैं आपको पूरा वॉक अराउंड दिखाता हूँ इसका, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाइक बहुत ज़्यादा क्लीन है कि नहीं है. तो अगर आप एक स्ट्रीट फाइटर बाइक लेना चाहते हैं, नेकेड बाइक के अंदर जाना चाहते हैं, तो गाइज दिस इज़ द बाइक फॉर यू, ट्रायम्फ 1050. गाइज इस बाइक के अंदर मेरे को एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है दैट इज़ वन साइडेड स्विंग. आप देख सकते होंगे इसके अंदर कि यहाँ पे दूसरी तरफ नॉर्मल बाइक की तरह जो रॉड लगी होती है स्विंग के साथ, वो चीज़ नहीं है. डुकाटी डेविल के अंदर ये वाली चीज़ आती है, इस वाली बाइक के अंदर भी ये चीज़ है. आपको सिंगल साइडेड स्विंग मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव रहता है. टायर्स आप लोगों ने देख लिए हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70% टायर्स लेफ्ट हैं. थोड़ा सा बाइक मैं आपको क्लोजअप में दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि बाइक के अंदर कोई स्क्रैचेस हैं कि नहीं. गाइज़ एक बार बाइक के ऊपर देख लेते हैं कि बाइक में स्क्रैचेस कितने हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि बाइक क्लीन कितनी है. सो गाइज़ थोड़े से स्क्रैचेस एग्जॉस्ट के ऊपर हैं. पीछे से फेंडर देख लेते हैं, बहुत क्लीन है, कुछ नहीं है. ग्रैब रेल जो है वो हार्ड मटेरियल की है जिसमें स्क्रैच पड़ेगा ही नहीं. साइड्स बॉडी देख लेते हैं, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है. टैंक देख लेते हैं गाइज़, कोई भी स्क्रैच नहीं है. गाइज़ यूजुअली लोगों के यहाँ पे टैंक पैड्स लगे होते हैं, यहाँ पे भी इनका यही चीज़ लगी हुई है जिससे इस जगह पे स्क्रैच पड़ने के चांसेस नहीं है. बाकी बाइक पूरी क्लीन है, साइड बॉडी भी इसकी पूरी क्लीन है, कोई भी इशू नहीं है. नीचे भी आप देख सकते हैं कोई भी इशू नहीं है, ये थोड़े से स्क्रैचेस लगे हुए हैं, बहुत माइनर से स्क्रैचेस हैं. ये रबिंग पॉलिशिंग कराएंगे तो शायद ये भी हट जाएंगे. मड गार्ड देख लीजिए गाइस, कोई भी स्क्रैच नहीं है. फ्रंट के इस पर भी कोई स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल क्लीन है. लाइट्स बिल्कुल चमचमाती हुई हैं, थोड़ी सी भी येलो स्टोन में नहीं गई हैं. अब हम इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत माइनर सा स्क्रैच है जो कि विजिबल नहीं है, बहुत ध्यान से देखने पे आ रहा है. नीचे से देख लेते हैं गाइज, दिस इज़ द स्क्रैच जो कि यूजुअली बाइक्स में पड़ जाता है क्योंकि बाइक का नीचे लगने के चांसेस हो जाते हैं, तो उस वजह से बाइक के ऊपर स्क्रैच पड़ने के चांसेस यहाँ पे पड़ जाते हैं. टैंक देख लेते हैं, टैंक में क्या स्क्रैचेस दिख रहे हैं इस तरफ से. सो गाइज ये बहुत थोड़े मोड़े से स्क्रैचेस हैं, इतना तो बेरेबल होता है. कोई बाइक गिरने या उसकी वजह से नहीं होता है, यूजुअली पार्किंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं एक दूसरे से बाइक टकरा जाती है या कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से. चेन आप देख सकते हैं, चेन बहुत ज़्यादा क्लीन है, चेन में कोई इशू नहीं है. सो गाइज दिस इज़ द सिंगल साइडेड स्विंग आर्म आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये एक ही तरफ से है, दूसरी तरफ से नहीं है. एंड इस तरफ से एग्जॉस्ट. सो गाइज़ बाइक का पूरा वॉक अराउंड आप लोगों ने देख लिया. बाइक कहाँ कहाँ से स्क्रैच हैं बहुत माइनर से, वो सब आपको मैंने दिखा दिया है. अब बाइक थोड़ी सी चला के देखते हैं कि बाइक चलाने में कैसी है. सो लेट्स स्टार्ट द बाइक. गाइस इस बाइक का बेस्ट पोजीशन ये है कि इसकी जो सिटिंग पोजीशन है वो बहुत अपराइट है। मतलब जैसे मैं बाइक पे बैठा हूँ और मेरे हाथ लग रहे हैं तो मेरे को शोल्डर वगैरह कहीं पे किसी चीज़ का लोड नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर आप विंड स्क्रीन लगा देंगे थोड़ी सी हाइट के लिए तो उससे ये बेनिफिट मिल जाएगा कि जब फ्रंट से हवा आ रही होती है तो वो हवा कटते हुए पीछे जाएगी, तो उसकी वजह से कोई इशू नहीं पड़ेगा। इस बाइक की टॉप स्पीड अराउंड 240 260 के करीब आराम से जाती है, उससे भी ज़्यादा जा सकती है, वो अपने अपने चलाने की कैपेबिलिटी पे होता है। बट इंडियन रोड्स पे इससे ज़्यादा चलाना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के मुताबिक है। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, कमर मेरी बिल्कुल सीधी है, पैर की पोजीशन आप लोग देख सकते हैं, पैर की पोजीशन में भी कोई इशू नहीं है। तो बाइक को चला के देखते हैं कि बाइक चलाने में कैसी है। इस बाइक के अंदर मेरे को थोड़ा सा एक ये लगा कि मेरी हाइट 5'9 है, सो 5'9 के हिसाब से मेरे पैर जो हैं वो प्रॉपरली नीचे आराम से टच थोड़े मुश्किल से हो रहे हैं। जब मैं बाइक पूरी स्टैंड स्टिल कर देता हूँ तो मेरे को पैर आराम से रखा जाता है, वरना मेरे पैर थोड़े एड़ी मतलब आगे पंजों के बल आ रहे हैं। तो गाइस एकदम जहाँ मैं इस टाइम खड़ा हूँ वहाँ भगाने की मेरे पास जगह नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकूँ बाइक भगाने का।